नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पाठक परीक्षा प्लस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा आप सभी लोग जान रहे हैं, इस समय जो स्थिति है लॉकडाउन की, टोटल पूरी 21 दिन के लिए, और काफी फुर्सत पे हम लोग भी आ गए हैं। अभी तक यह था कि कोचिंग भी देखना था और आप लोगों का परीक्षा प्लस ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है वो भी था, तो रेगुलर टच नहीं हो पाता था। मगर अब ये 21 दिन आप लोगों के लिए ही पूरी टीम देगी। तो कुछ बच्चे जो फ्रेशर कैंडिडेट है वो आपके पूछ रहे थे कि सर यूपीपीसीएस में कौन सी बुक, तो बुक के बारे में मैंने बता दिया है। बाकी आप उससे रिलेटेड यूपीपीसीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके बारे में जाने कि उसमें जॉब कैसी है, किस किस प्रोफाइल पे वर्क करना रहता है, क्या क्या पोस्ट आती हैं, ये सब मैं एक सीरियल वाइज बताता चलूंगा। जैसे आपका फॉर्म आया, जैसे जो फ्रेशर कैंडिडेट है खासकर उनके लिए जो एक बार दो बार मेंस दे चुके हैं, वो तो सभी लोग समझ गए होंगे, इतना एक्सपीरियंस हो गया होगा लाइफ का कि हाँ कौन से पोस्ट भरे हैं, कौन सा नहीं भरे, कौन सा प्रोफाइल कैसा है, उसमें जॉब कैसी है, सैलरी क्या है। और एक बात तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से, जितने लोग फ्रेशर हो, कि कभी भी आप अगर सैलरी बेसिस पे अगर यूपीपीसीएस को अप्रोच कर रहे हो ना कि मैं इसमें जॉब चला जाऊं, यूपीपीसीएस में जॉब करूं तो मुझे सैलरी अच्छी मिलेगी, तो ऐसा माइंड सेटअप है तो फिर ये जॉब मत करिए। ये जॉब पैसे के लिए नहीं है, ये जॉब है जो आपके, ये पब्लिक सर्वेंट के लिए है। पब्लिक सर्वेंट मतलब आप पब्लिक के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को कितने सही तरीके से कर सकते हो, उसके लिए है ये जॉब। तो जो लोग पब्लिक सर्वेंट में इंटरेस्ट है, जिनका मन से अंदर से आता है कि मुझे पब्लिक के बीच में रह के काम करने में अच्छा लगता है, वो इस प्रोफाइल को चूज करें, वो इस जॉब में आए। आपको पैसा कमाना है तो बहुत है, प्राइवेट सेक्टर में बहुत पैकेज है, 12-12, 15-15 लाख का पैकेज है, उसमें भी आप जा सकते हो। मगर ये एक ऐसा सेक्टर है जहां आप, क्योंकि इसमें कई लोग होते हैं जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है जिनको जॉब से, जैसे कई लोग 12 लाख 15 लाख 16 लाख का पैकेज पे काम करते हैं और काम करते वक्त उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि मैंने पैसा तो कमा लिया, मगर जो हमारे बीच में लोग हैं, जो पब्लिक है, उनकी हम समस्याओं को नहीं समझ पा रहे हैं। वो लोग तो अभी भी हम हालांकि पैसा कमा रहे हैं मगर वो लोग काफी गरीबी से जुड़ रहे हैं, इसलिए लोग जो है सिविल सर्वेंट का जो जॉब है प्रेफर करते हैं। तो जो लोग इस माइंड सेटअप से तैयारी कर रहे हैं, फ्रेशर कैंडिडेट हैं, उनके लिए मेरा ये है कि आप लोग एक बार जान लें कि इस जॉब में क्या प्रोफाइल होती है, किस पोस्ट पे आपकी नियुक्ति होगी। मैं एक एक पोस्ट लेके उसकी जॉब प्रोफाइल, उसकी नियुक्ति, उसका पावर, उसकी सैलरी, हर चीज डिस्कस करूंगा आपके सामने। जैसे आपका यूपीपीसीएस में जब भी पोस्ट आता है, सबसे कम पोस्ट होता है किसका, एसडीएम का। सबसे ऊपर वाला पोस्ट होता है पीसीएस में, आपका सबसे टॉप पोस्ट होता है आपका एसडीएम का, उसके बाद से आपका डिप्टी एसपी, उसके बाद बीडीओ, बीएसए, आपका ऐसे आता है। तो जब आप प्री क्वालिफाई कर लेते हो, मेंस में जाते हो, तो मेंस में आपको फॉर्म में फिल करना होता है कि आप इंटरव्यू भी में जाते हो उस समय भी फिल करना होता है कि आप प्रेफरेंस क्या देना चाहते हो पोस्ट का। जब इंटरव्यू देने जाते हो तो प्रेफरेंस में सभी लोग का पहला प्रेफरेंस तो एसडीएम ही होता है, और पोस्ट भी उसकी इतनी कम होती है, हर बार 40, 50, 30, 20, कई बार आता ही नहीं है, मतलब 10-20 पोस्ट होता है। उसके बाद से इससे पिछले वाली वैकेंसी में 2018 वाले में 100 पोस्ट एसडीएम की थी, ठीक है, सबसे ज्यादा पोस्ट उसमें थी। चलिए मैं एसडीएम के बारे में ही जॉब प्रोफाइल बताऊंगा आपका, पूरा का पूरा यूपीपीसीएस से ये जॉब प्रोफाइल पड़ा हुआ है, इसमें मैं एसडीएम के डिटेल को बताऊंगा कि आपको, ये सभी लोग जानते हो कि इसको यूपीपीसीएस कराती है एग्जाम, ठीक है, यूपीपीसीएस का एग्जाम होता है जिसके अंतर्गत ये पोस्ट आता है एसडीएम का। अब इस एसडीएम पोस्ट में इसकी नियुक्ति कहां होती है, कहां कहां से ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं, आपका जब पूरा स्टेज दे लोगे, प्री दे लोगे, मेंस दे लोगे और इंटरव्यू दे लोगे, अगर आपकी रैंक अच्छी आती है, ठीक, तो आपको एसडीएम मिलेगा। अच्छी मतलब आप टॉप 100 में, टॉप 50 में अगर आप अप्लाई करते हो तो आप एसडीएम की पोस्ट पे आओगे। और एसडीएम पोस्ट आपको मिलने के बाद क्या आप तुरंत एसडीएम की तरह काम करना शुरू कर देते हैं? नहीं, आप जैसे ही एसडीएम की पोस्ट आपको असाइन होती है, आप पहले तो आप जैसे आपका इंटरव्यू के बाद रिजल्ट आया एसडीएम पे, आपकी पहले क्या होगी, ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग कहां होगी, आप सभी लोग, जो लोग लखनऊ से होंगे सब लोग जानते होंगे, यहां पे है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश एकेडमी, एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, कहां है ये, अलीगंज में है, लखनऊ में, आयोग के पास ही है, अभी दोनों बिल्डिंग्स एक ही जगह पे हैं।
तो यूपी एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, यहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होती है कितने दिन की, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। 6 महीने ट्रेनिंग करने के बाद सब कुछ यहाँ आपको बताया जाता है, उसके बाद से आपको 6 महीने के लिए कहाँ भेजा जाता है, फील्ड वर्क में भेजा जाता है। ठीक है, 6 महीने आप फील्ड वर्क जाओगे। फील्ड वर्क मतलब कहां गए, कहां सर फील्ड वर्क कहां जाना है, तो देखिए जो ये एसडीएम है सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, इसके जो पोस्टिंग है आप कहां डिस्ट्रिक्ट में होती है, डिस्ट्रिक्ट में इसका ऑफिस होता है, जैसे घर बंगला जो भी गाड़ी है सब डिस्ट्रिक्ट में होता है, जैसे डीएम का पोस्टिंग होता है डिस्ट्रिक्ट में, वैसे ही एसडीएम का भी निवास वहीं होता है। तो वहां जाने पे पहले इनके अंडर कंट्रोल में जो भी आता है, जैसे क्या होता है डिस्ट्रिक्ट है वो पूरे ब्लॉक में डिवीजन में तहसील में बटा हुआ है, तो जो तहसील है ना उसके जितने भी तहसील का जो हेड होता है तहसीलदार होता है, उन सबको रेगुलेट करने वाला जितने भी तहसील है वो एसडीएम ही होता है, सबका ब्यूरो लेने वाला कौन होता है, एसडीएम होता है। तो एसडीएम एज ए वहां पे जाता है तहसील में, काम देखता है हर जगह का कि यहाँ पे काम कैसा है, क्या कलेक्शन है, क्या काम होता है यहाँ पे, वहां से वो क्या वर्क का एक्सपीरियंस लेता है, 6 महीना वो फील्ड वर्क में एक्सपीरियंस लेता है कि कैसे लैंड का जो है कलेक्शन होता है, रेवेन्यू का कलेक्शन होता है, लॉ एंड ऑर्डर कैसे फॉलो कराना है, कैसे गवर्नमेंट की स्कीम को फॉलो कराना है, तो वो तहसील में रख के लेख मतलब रह के और डीएम के अंतर्गत और आपके जो डीएम है उनके अंडर गाइडेंस में रह के ये 6 महीने फील्ड वर्क करता है। उसके बाद से क्या होता है, आपका 1 साल का ट्रेनिंग हो गया इनका, ठीक है, 1 साल ट्रेनिंग हो गया। ट्रेनिंग के बाद अब इनकी जो नियुक्ति होती है वह डिपार्टमेंट ऑफ कौन अपॉइंटमेंट, उत्तर प्रदेश का जो डिपार्टमेंट है नियुक्ति एंड क्रामिक विभाग, वो डिपार्टमेंट ये नियुक्त करता है एसडीएम के पद पे, इनको डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे नियुक्त करता है। ठीक, अब ये जब डिप्टी कलेक्टर के पोस्ट पे नियुक्त होते हैं तो डिप्टी कलेक्टर जब डीएम से मिलने जाते हैं तो डीएम के ऑर्डर पे ये सब डिवीजन जो होता है डिस्ट्रिक्ट का उसे संभालते हैं, उसका मतलब एग्जीक्यूटिव पावर लेते हैं अपने हाथ में, तभी से वो एसडीएम कहलाने लगते हैं। ठीक है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट कहलाने लगते हैं, मजिस्ट्रेट इसीलिए लगा है क्योंकि ये इनके पास क्या है, न्यायिक पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है। तो इनका काम क्या होता है, इनके जो पावर है बोला जाए एक तरह से कि ये काम क्या करते हैं, क्या क्या काम ये करते हैं, तो पहला तो सभी लोग जानते हो कि जितने भी लैंड टैक्स या रेवेन्यू आते हैं जो तहसील में आते हैं, चाहे जितने भी आपके सर्टिफिकेट कास्ट के हो गए हैं, चाहे आपके इनकम के सर्टिफिकेट हो गए, वो जितने भी सर्टिफिकेट हैं वो जो तहसील से बनते हैं सब इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। जो तहसीलदार होता है वो किसको डायरेक्ट रिपोर्ट करता है, एसडीएम को रिपोर्ट करता है, और एसडीएम किसको रिपोर्ट करता है, वो डीएम को रिपोर्ट करता है। तो इस तरह एसडीएम जो है पूरा लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराना, लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो कराना, ये एसडीएम के अंतर्गत आता है। जितने भी इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम चाहे वो यूपी गवर्नमेंट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, ठीक, जो भी स्कीम निकलता है आपके राज्य सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा, उनको उन लोगों तक पहुंचाना, इंप्लीमेंट कराना इनका काम होता है। उसके बाद से ये तो हो गया इनके पावर का, उसके बाद से इनके बात कर ले हम बेसिक पे और सैलरी, जैसे आप लोग सबको एक ही चीज है, जॉब जब भी करोगे तो सैलरी होनी चाहिए भैया, अच्छी सैलरी तो नहीं है, जो जनरल आपका सोचो कि हाँ आप 3-4 लाख महीने का सैलरी है, ऐसा कुछ सैलरी नहीं है। जनरल पब्लिक जो डीलिंग का जो सर्वेंट होते हैं उनकी एक सैलरी है, सिंपल सी सैलरी है, उस सैलरी में एसएससी के बराबर अगर कहा जाए तो एसएससी के बराबर ही सैलरी है इनकी भी। तो उसमें सैलरी की जब बात करें हम इनका, तो पे जो पे स्केल है कि कहां से कहां तक ये लोग लाई करते हैं, उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, 15,100 से 39,100 तक का इनके बीच में इनका जो सैलरी डिफर करती है। अब इसमें ये 15,100 से 39,100 क्या है, ये पे स्केल है, मतलब ये बेसिक, यहां से जब आप स्टार्टिंग पे शुरू करोगे तो ये आपका बेसिक होगा। इस बेसिक सैलरी में क्या जुड़ता है, आपका ग्रेड पे जुड़ता है, ठीक है, ग्रेड पे जुड़ेगा। इस ग्रेड पे में आपका मल्टीप्लाई होगा डीए, जो अलाउंस मिलता है आपका
महंगाई भत्ता मिलता है। तो आपका जैसे बेसिक पे आपका 15,100 है, तो ग्रेड पे कितनी ग्रेड पे की जॉब है? 5400 ग्रेड पे की है, 5400 ग्रेड पे की ये जॉब है। तो 5400 15,000 आपका जुड़ेगा, उस पे आपका डीए महंगाई भत्ता आपका डिफरेंट, हर जगह डिफरेंट डिफरेंट है, हर उसमें आपका बैंक एम्प्लॉय का अलग है, राज्य सरकार वालों का अलग है, तो ये 100 से लेके 110 तक वैरी करता है। तो इसका 110% बेसिक पे और ग्रेड पे का 110% निकालोगे, वो उसमें प्लस कर दोगे बेसिक पे और ग्रेड पे में। फिर उसमें आपका पूरा अलाउंसेस जुड़ते हैं, जितने भी अलाउंसेस हैं, ठीक है, होम अलाउंसेस, मेडिकल अलाउंसेस, ट्रेवल अलाउंसेस जितने हैं, उसके बाद से इसमें डिडक्शन हो जाता है, क्या आपका पीएफ वो जो कटता है, जो लोन वोन लिए होंगे वो कटेगा। तो एक तरह से इन हैंड जो सैलरी बोला जाए आपको मिलती है इस समय, इन हैंड सैलरी जो मिलती है वो कितना मिलती है, ये 63,000 से लेकर 65,000 तक के वेरिएबल होता है, वो आपके डिपेंड करता है आप कितना कटवाते हो पीएफ वो में, वो डिपेंड होता है। अगला है आपका इसमें कि इसका प्रमोशन, प्रमोशन पीरियड क्या होता है एसडीएम का, पे तो देख लिए बहुत ज्यादा नहीं है, इनकम आपके जीने भर की है, ठीक है, जितना में आपका गुजारा चल जाए। अब इसमें आते हैं हम प्रमोशन के बारे में, ठीक है, कि एसडीएम का प्रमोशन कैसे कैसे होता है, कैसे आप एसडीएम से डीएम क्या हम बन सकते हैं, आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं, आईएएस लेवल तक की जॉब कर सकते हैं, बकायदे कर सकते हो अगर आपकी नियुक्ति जल्दी से जल्दी हो जाती है, अगर आप 21 साल में हो जाते हो, ठीक है, जो स्टार्टिंग एज है, अगर 21 साल में ही एसडीएम आप बन गए हो तो आप आईएएस वाले पोस्ट के एकदम टॉप पे पहुंच जाओगे। अगर नहीं बन पाए हो, लेट लग रहा है तुम्हें आईएएस बनने में, इसमें आपके पीसीएस के पोस्ट में एसडीएम में, तो वैसे ही आपको डिपेंड करता है, कई लोग आईएएस की पोस्ट से पहले ही रिटायरमेंट हो जाते हैं क्योंकि उनका एज पे डिफर करता है, एज जैसे ही बढ़ जाता है। अब यहां है प्रमोशन का कि एसडीएम जो है आपका, ठीक है, अब एसडीएम प्रमोट होगा तो किसमें जाएगा, एसडीएम जाएगा वो बनेगा क्या, एडीएम, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। अब एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेगा कितने साल में बनेगा, कहोगे टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का मत पूछो, आपके वर्क पे और आजकल जो चलता है सोर्स पानी उस पर भी डिपेंड करता है यह सब, ठीक है। तो यह भी है कि ये मन आपको लग जाएगा 4 से 5 साल इसमें एडीएम बनने में, और एडीएम बनने के बाद यह कहां प्रमोट होगा, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर में। अब यहां से आपका डेवलपमेंट ऑफिसर का रोल आ जाएगा कि जितने भी उसके अंतर्गत डेवलपमेंट होगा। अब ये एडीएम जो है ये वेरिएबल करता है हर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आपका छोटा डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉल डिस्ट्रिक्ट है कोई, तो इसमें एक एडीएम रहेगा जो आपका फाइनेंस और रिवेन्यू से रिलेटेड रहता है, ठीक है, कलेक्शन और पूरा जो भी बजट हो देना होता है उसमें, उससे रिलेटेड एडीएम रहता है। और एक एडीएम जो होता है आपका एग्जीक्यूटिव होता है, जो भी काम कराना हो उसके लिए होता है, एग्जीक्यूटिव पावर होता है इसके पास। तो दो होते हैं अगर आपका कोई स्मॉल है, अगर बड़ी सिटी है तो उसमें 3 एडीएम होते हैं, 3 एडीएम का पोस्ट होता है, एक सिटी एडीएम होता है, आप सुने होंगे जो भी बड़े शहर में हो उसमें एक सिटी एडीएम होता है, सिटी का पूरा लेखा जोखा उसके हिसाब से चलता है, बाकी सेम वही होते हैं, एडीएम फाइनेंस और रेवेन्यू और एडीएम एग्जीक्यूटिव पावर वाला, ठीक। अब एडीएम क्या होता है, प्रमोट होकर सीडीओ बनता है, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर बनता है। अब चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो है ये प्रमोट होकर आपका क्या बनता है, डीएम बनता है, डिप्टी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है ये, ठीक। तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनता है। अब यहां ये कौन सी पोस्ट होगी, कहां से आती है, ये आईएएस से होती है, और इतना से और यहां तक आने में इसे कितना साल लग जाता है, कम से कम 20 साल, ठीक है। तो जितना जल्दी पोस्टिंग पा लोगे, एसडीएम बन जाओगे, उतना ही जल्दी क्या बन जाओगे, डीएम बन जाओगे। अगर नहीं पा पाते हो तो यहीं से क्या हो जाएगा, तुम लोगों का पट्टा कटता चला जाता है, यहां तक भी कोई आता है बस सीधे रिटायरमेंट है, ठीक, रिटायर हो जाते हैं और ये आईएएस नहीं बन पाते हैं। तो यहां तक पहुंचने में बहुत कम होते हैं, मान लो यहां 200 पोस्ट है, ठीक है, और 200 लोग रिक्रूटमेंट हुए, तो यहां लास्ट तक डीएम में जो प्रमोट होकर बनते हैं वो कितने, 10 से 12 लोग सिर्फ डीएम बन पाते हैं। और इसमें डीएम बनने का, इसमें जो यूपी पीसीएस, चाहे जो भी हो आपका राजस्थान पीसीएस हो, चाहे मध्य प्रदेश पीसीएस हो, हर स्टेट का जो होता है ये कोटा होता है, यहां पे 1/3 सीट
जो होता है आपका रिजर्व रहता है कि जो यूपीएससी जो होती है वो आपको स्टेट से 1/3 सीट जो है आपका इसमें शामिल कर सके। तो ये आपका हो गया पूरा का पूरा क्या एसडीएम का प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल, की आपको काम क्या करना है, आपकी सैलरी क्या है, आपका प्रमोशन क्या है। ऐसे ही मैं आपको पूरे जितने भी इसमें आपके यूपी पीसीएस में आते हैं, अब इसके बाद से मैं बताऊंगा आपको अगले लेक्चर में डिप्टी एसपी, क्योंकि ये भी आपका सेकंड चॉइस होता है डिप्टी एसपी। तीसरा आपका क्या होता है आपका बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, और चौथा क्या होता है बीएससी। तो बीएससी के लिए तो आपको एसेंशियल एजुकेशन चाहिए, तो आप बीएससी का पोस्ट प्रीफर करते हैं, और जिसके पास होता है वो तीसरे ऑप्शन पे इसको रखता है जब इंटरव्यू देने जाता है। ठीक है, तो ये सब मैं पोस्ट आपको प्रेफरेंस वाइज इनकी जॉब क्या है सब बताता रहूंगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है, लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो एसेंशियल इंफॉर्मेशन है आपको जो फ्रेशर कैंडिडेट है आप लोगों को मिल जाए कि हमें किस पे जॉब प्रोफाइल कैसे करना है, किस कि हमारा वर्क क्या रहेगा, हमारी सैलरी क्या रहेगी, हमारा इंट्रेक्शन क्या रहेगा। इंट्रेक्शन तो आपको पूरा पूरा इसमें पब्लिक से ही करना है, ठीक है, ये पब्लिक का ही जॉब है, इसीलिए इसे पब्लिक सर्वेंट जॉब बोला जाता है आपका। ठीक, तो आप लोग लाइक करो, शेयर करो जितना से ज्यादा हो सके, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।